कैसे हैं आप लोग? मैं आज दोबारा से तिबारा से चौबारे से आई हूँ बारबेक्यू नाइट को सिमी खान की जानिब से। आप लोगों को सिमी खान किचन से सिमी खान ब्लॉग बना रही हूँ और हमें इन्होंने इनवाइट किया है, आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। देखते रहे सिमी खान किचन से सिमी खान का ब्लॉग, जुड़े रहे सिमी खान के साथ। मैं आपसे मिलती जी, हमें ये डॉक्टर हिंदुमान और हमारे प्यारे असलम बलोच सर ने साहब ने बहुत काबिल तारीफ काबिल सताइश पर्सनैलिटी ने दावत दी है। और ये हमारी कैप्टन तराना अजीम शान पर्सनैलिटी की मालिका और अलमास को तो आप लोग हमेशा ही जानते हैं, ये हमेशा हमारे साथ होती हैं। और आज मैं आपको दो बहने देगा, इधर देखें आप। अच्छा, ये समरीन है और ये तंजीला है। और चले आज चीफ गेस्ट हम तो सभी हैं, लेकिन अलमास के लिए भी ये वर्ड कह देते हैं, शुक्रिया। आपके लिए भी ये वर्ड कह देते हैं सर, आपके लिए भी, आपके लिए भी समीर, आप भी, और सोई तंजिला आपके लिए। मेरा कहना है हम जो खाते हैं वो हम दिखाते हैं। तो अभी हमने क्या मंगवाया अलमास? ओके, तो चले जुड़े रहे समीर खान के ब्लॉग के साथ, फिर मैं आप कुछ देर के बाद। हमारा जो कहना है हम जो खाते हैं वो दिखाते हैं। तो ये क्या, कौन सी दाल है? मूंग की दाल है। और ये प्लीज नाम बताएं। ये मलाई बोटी है। ये मलाई बोटी है, ये रायता है, सीख कबाब, सीख कबाब। और ये पुलाव, और ये ब्रेड मसाला। कैप्टन साहब का और मेरा ख्याल है कैप्टन तराना बहुत सारे लोगों की फेवरेट ऑल टाइम ब्रेड मसाला, ये नाम मैं कभी नहीं बोल सकती। और इसमें काइंड ऑफ नान, और ये मलाई बोटी, और ये सीख कबाब है। तो ये ऑल काइंड ऑफ चटनी है। वैसे तो हमने बुफे पे जाना था, लेकिन ये मेरी सजेशन थी कि मैं, आप लोगों ने मेरी बुफे के कई ब्लॉग्स देख लिए और हम, मेरा ख्याल है हर मंथ यहाँ आते हैं। तो आज हमने इस तरह का ऑर्डर करवाया है। जी यस सर, यस तंजिला, कैसा लग रहा है खाना? बहुत मजे का, बहुत यम्मी, बहुत अच्छा, एंजॉय कर रहे हो? ये तो आपको पता ना, मैं हर जगह दोस्तों को तंग कर देती हूँ। मैंने कहा बुफे बुफे बहुत खा लिया मैंने, चले फिर हम जा रहे हैं खाने, फिर इंशाल्लाह कुछ देर में। खानों को मेरी ये लाइन बहुत अच्छी लगी, हम आपस से बातें कर रहे थे। मैंने कहा हम घर में दाल बनाते हैं बड़ी आला होती है, लेकिन जो ये बाहर की दाल होती है ना, इसका तो कोई सवाद ही कुछ और है। और ये मैं स्कूल से पी रही हूँ बकायदा। तो देखते रहे सिमी खान किचन से सिमी खान ब्लॉग, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर के बाद। दोस्तों, ये जो सिमी खान के ब्लॉग में मैं एक बात तो आपको एक बड़ी दिलचस्प बताना चाह रहा हूँ कि इतने सारे काम होने के बावजूद भी, खाने होने के बावजूद भी, मैं तो जो है ना सिर्फ क्योंकि बींग वेज में दाल और सब्जी पे ही गुजारा करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली ये दाल बहुत अच्छी बनी हुई है, तो बड़ी डिलीशियस दाल है। जी, ये बात है अलमास, आपका खाना फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा? मुझे तो भाई ब्रेड मसाला बहुत अच्छा लगा, तो रोटी में मज़ा आ रहा है, चटनी पेप्सी। हाँ माशाल्लाह, देखियो आप लोग भी जरा मुस्कुरा दो, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो कुछ मीठा हो जाए तो वो मीठे का जो है ना, हमने यहीं पे अरेंजमेंट कर दिया हमारे होस्ट ने, और फिर चाय पीने हम बाहर जाएंगे। इसका नीचे रखिएगा, आप बताएंगे भाई ये क्या है? ये फ्रूट टैफल है, खीरे कुल्फी है। कुल्फी कहाँ गई? ये हाँ, ये मैंने ऑर्डर करवाया। चले जी खाए पिए, हम लोग खा पी रहे हैं, आप लोग भी खुश रहे, आबाद रहे। ये देखे कैप्टन साहब पकड़ी गई और वो पेप्सी के साथ नान खा रही है। कितना लवली और कितना प्यारा ये हमारा आज का दिन है, और अच्छे दोस्त और दोस्तों के दोस्त आज मेरे साथ हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी इसी का नाम है, खुश रहें, खुश रहने दें, दूसरों की खुशियों में इंजॉय करें। और जो हमारे होस्ट हैं
दोनों को बहुत मैं कहूँगी अल्लाह ताला उनके रिज़्क में इजाफा करे। हमने उस काबिल समझा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना खाना बड़ी बात नहीं होती है, खिलाना और मेहमानदारी को मेहमानों को इज्जत देना। तो सो हमें बहुत इज्जत मिली। बेसिकली अगर हम कहें तो हम कैप्टन साहब की इन्विटेशन पे आए थे और लेकिन हमें होस्ट कर रहे हैं डॉक्टर हीरा लाल एंड असलम लोस सर। चलें फिर इंशाल्लाह ताला हमारा खाना ख़त्म हो गया, हम यहाँ से कहीं चाय वाय पीने जाएंगे और शायद बाहर कुछ हम करेंगे तो मैं वो आप लोगों को दिखा नहीं सकूँगी। जाते जाते हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।